सरकार में एक नई पहल है और पूरे देश की ग्राम पंचायतों के लिए अनुकरणीय है। पूरे देश में 2.5 लाख पंचायतें होंगी। अगर ये 2.5 लाख पंचायतें इस तरह के काम को हाथ में लेकर के सबका साथ सबका विकास इस उद्देश्य को धारण करके अगर आगे बढ़ती हैं, तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत तो होगा ही, लेकिन संपूर्ण भारत स्मार्ट हो जाएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं इस राज्य का राज्यपाल हूं, गवर्नर हूं। वहां नई नई पहल होती है, उसमें से एक ये है 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना। इसके पहले हमारी सरकार बनते ही उन्होंने एक नई पहल और की थी, और वो पहल ये थी कि पंच और सरपंच ये शिक्षित होना चाहिए। जब ये पहल प्रारंभ हुई, आप सबको याद होगा, इसमें बहुत बाधाएं आई, बहुत रुकावट आई, न्यायालय ने भी रुकावट डाली।
ये नई पहल थी, पच नहीं रही थी लोगों को। हाई कोर्ट ने तो यहां तक पूछ दिया कि अगर पूरे देश के अंदर साक्षरता ही नहीं है तो ये किसका दोष है, आपने अब तक सबको साक्षर क्यों नहीं किया, आप 1947 से स्वतंत्र हो गए हैं, क्योंकि साक्षरता का प्रतिशत पूरे देश में अभी 63% है, हरियाणा राज्य का तो 78% है। तो एक ऐसा टेक्निकल पॉइंट था जो हमको भी लगने लगा कि संभव होगा क्या, और इसलिए मुख्यमंत्री जी को बुला करके मैंने कहा कि रुक जाओ, अभी न्यायालय अपने को अनुमति देगी। लेकिन कितनी प्रसन्नता की बात है कि हमको अनुमति मिली, संभवतः सुप्रीम कोर्ट से मिली, सुप्रीम कोर्ट से हमको अनुमति मिली। ये पूरे देश में नई पहल है, 7 स्टार आपने लिए, पहला लिंग अनुपात है, कितना जरूरी है। दूसरी स्वच्छता है, महात्मा गांधी का सपना जिनकी 150वीं शताब्दी हम 2019 में मनाएंगे, तब तक पूरा नहीं होगा जब तक भारत स्वच्छ नहीं है, और इसलिए स्वच्छ भारत। और फिर शिक्षा, आपकी पंचायत ने जिनको प्रस्तुत किया है सारे बच्चे स्कूल में, कोई ड्रॉप आउट नहीं, और इसलिए लिंगानुपात ये देखिए अगर आता है तो कितनी, कैसा गांव होगा, कैसी पंचायत होगी, कैसा हमारा हरियाणा होगा अगर बढ़ता है तो। शिक्षा है, स्वच्छता है, फिर जो 4 बिंदु है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के समय में। एक तो पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है, नहीं तो रहना मुश्किल हो जाएगा। शांति और सद्भाव, हरियाणा एक और हरियाणा भी एक है, तब तक आपको प्राप्त नहीं हो सकता जब तक शांति और सद्भाव नहीं आएगा। और जो महात्मा गांधी की कल्पना थी कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, उसको ये लगना चाहिए कि देश मेरा है, उसको ये लगना चाहिए कि सरकार मेरी है, और ये जब तक प्रत्येक व्यक्ति को नहीं लगता है तब तक लोकतंत्र का सपना पूरा नहीं है, और ये तब तक नहीं होगा जब तक सुशासन नहीं होता। और इसलिए पर्यावरण, सुशासन, शांति, सद्भाव, और बहुत बड़ी बात यह है, और वो है सोशल पार्टिसिपेशन, सामाजिक भागीदारी। जितनी सोशल एक्टिविटीज हैं सब में हमारी भागीदारी चाहिए, ऐसा नहीं हमको क्या करना है, सबकी भागीदारी चाहिए। दूसरे गांव के साथ सद्भाव, दूसरे गांव के साथ मिलना, सोशल भागीदारी गांव में भी और सोशल भागीदारी अन्य गांव में भी, ये भी बहुत जरूरी है। आप उसको सामाजिक सरोकार करिए, सोशल पार्टिसिपेशन कहिए, सामाजिक भागीदारी कहिए, लेकिन सारी चीजें जब आएंगी तब वास्तव में भारतवर्ष श्रेष्ठ भारत बनेगा। और इन 7 बिंदुओं को लेकर के आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, हम उसका पालन करें, उसको मन में उतारें। और मुझे ऐसा लगता है कि पंचायती राज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, देश स्वतंत्र होने के बाद किस तरह की व्यवस्था हमारे गांव गांव में होगी, कैसे गांव स्वावलंबी होंगे, वो ठीक प्रकार से स्थापित हो जाएगा। वैसे सरकार ने बहुत चिंता की है, सांसद ग्राम योजना, विधायक ग्राम योजना, हमने तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज को भी सर्कुलर जारी किए हैं कि गाँव को अपनाइए, गाँव को अडॉप्ट करिए, गांव में जाकर के बाकी समस्याओं को जानिए, बच्चों को ले जाइए, गांव की में जो कुछ कुरीतियां उनके प्रति उनको बताइए, श्रमदान करिए, उसकी प्रगति करिए, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को भी कहा है। और हरियाणा के अंदर तो जो CSR होता है प्रत्येक कंपनी के पास, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पैसा होता है उसके माध्यम से गाँव की दशा ठीक करो, और इसलिए बहुत सारी कंपनियां, ट्रस्ट, ये सब गांव अडॉप्ट करके उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं तो राष्ट्रपति जी ने तो हरियाणा के 100 गांव चुने हैं, पहले 4 चुने, फिर उन्होंने 100 गांव चुने हैं, और उन 100 गांव को ऑयल कंपनी मिलकर के उनके विकास की तरफ दिशा दे रही है।
और इसलिए इंद्रधनुष योजना के माध्यम से जो बात हमने पकड़ी है, अन्य योजनाओं के माध्यम से भी ग्राम विकास की बात पकड़ी है, इस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो शहर बनाने की बात तो अलग है, स्मार्ट हमारे हरियाणा का प्रत्येक गांव स्मार्ट होगा। इसका श्रेय सबसे पहले मैं दूंगा हरियाणा सरकार को और खासतौर से पंचायत और विकास मंत्री प्रकाश धनखड़ जी को और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, जिनके अथक प्रयासों से पढ़ी लिखी पंचायतें इस बार हरियाणा में आई हैं और पलवल भी उसी प्रदेश का एक हिस्सा है जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हैं और उन पंचायतों ने एक अच्छा कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुसार, हरियाणा सरकार की सोच के अनुसार जो जो विषय प्राथमिकता में हैं उन सब पर काम किया है। इसलिए पलवल को मैं समझता हूँ ये श्रेय जाता है कि एक तो पढ़ी लिखी पंचायतें हैं और ख़ासतौर से महिला सरपंचों को अधिकतर उनको ये पुरस्कार मिला है, तो यही कारण है ये सरकार की सोच, केंद्र सरकार की सोच, उस सोच के कारण से ये पलवल को स्थान मिला है। निश्चित तौर पर इस तरह की योजनाओं से का लाभ पूरे देश में जाना चाहिए और हम बात करेंगे अपने कृषि मंत्री जी से, ग्रामीण विकास मंत्री जी से कि इन योजनाओं को देश के तमाम हिस्सों में अगर लागू किया जाएगा तो हमारे ग्राम भी मजबूत होंगे, गांव विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और सुशासन भी आएगा और सारे काम है, बेटी बचाओ का है, स्वच्छता का है, भाईचारे का है, सद्भावना का है, सब काम पूरे देश में होंगे तो एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा। जो फरीदाबाद में प्रदेश कार्य समिति की बैठक है वो नियमित हर 3 महीने के बाद होती है, उन पर सकारात्मक चर्चा होती है, राजनीतिक चर्चा होती है, ये दोनों चर्चाएं कल की बैठक में होंगी। संगठन हमारा गांव तक और मजबूत हो और दूसरा संगठन मजबूत हो और जो राजनीतिक स्थिति है आज हरियाणा की उस पर भी चर्चा होगी। निश्चित तौर पर जिस तरह मनोहर जी की सरकार ने प्रदेश में सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक को लेकर जो कार्य किए हैं, जो सुशासन दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है, निश्चित तौर पर इसके परिणाम अच्छे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः बनाएगी।